Hi, welcome back दोस्तों, this is Nirul Shi sir and warm welcome to Success Engineering class. तो दोस्तों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग स्वॉर्म या मॉस का एक बढ़िया एनिमल का सॉल्व करेंगे. ऑब्वियसली टॉपिक इज स्टोरेज एनर्जी. तो आप सभी को पता है कि स्टोरेज एनर्जी के साथ जब हम लोग काम करते हैं तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है टू आइडेंटिफाई करना कि भाई ये कौन से टाइप का न्यूमेरिकल है. तो जब भी आपके पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो अपना एक ही काम है बेटा, क्या काम है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई तू कौन है, कौन है तू सर, तू ग्रेजुअली है, तू सडनली क्या, इनफैक्ट है, कौन से टाइप का लोड अवेलेबल है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल के साथ, पढ़ते हैं क्या दिया है. आपके क्वेश्चन नहीं है तो डोंट वरी, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. शुरू करेंगे आज के सर. अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं. अ वेट ऑफ 667 न्यूटन फॉल्स थ्रू हाइट एच ऑन ए कॉलर रिजिडली. तो बेटा उन्होंने दिया है एक पर्टिकुलर डेंसिटी को वेट दिया है and it falls to the height. Anyone can let me know? वापिस आते हैं, वापिस बात करते हैं. तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में क्या दिया है, एक वेट दिया है एंड इट फॉल्स सडनली. कौन सा ग्रेजुअली भी नहीं, सडनली भी नहीं, इट इज कॉल्ड एज एन इंपैक्ट लोड. तो बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है क्या लिखना है, इंपैक्ट लोड. तो जैसे हम लोग इंपैक्ट लोड लिखते हैं अपनी आंखों से चला जाता है क्योंकि दिखता ही नहीं ना वैसा, तो किधर इंपैक्ट लोड, तो हमें देखने को आना चाहिए. तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इंपैक्ट लोड. अब ये क्यों लिखने का इंपैक्ट, तो इंपैक्ट लोड की वजह से ना हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलास मिलेंगे. क्या मिलेंगे बेटा, फॉर्मूलास मिलेंगे. हमें एक बहुत अच्छा बढ़िया फॉर्मूला शीट बना के रखना है यहाँ पे. दिख रहा सारे बच्चों को? यस सर. तो मैं पहले पूछता हूँ इंपैक्ट लोड, तो क्या कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा इंपैक्ट लोड के लिए तो बेसिक फॉर्मूला किसका आता है, सिग्मा का आता है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला, पी अपॉन ए प्लस रूट ऑफ पी अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू पी एच ई अपॉन. सही बात है. तो आज क्या किया मैंने, आप सभी के लिए फॉर्मूला लिखा वहां पे. एंड अगर ये फॉर्मूला हम सभी को आता है तो दोस्तों आराम से हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे. अभी प्रॉब्लम है ये फॉर्मूला के कौन कौन से टर्म्स या कौन कौन से वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई है. चलिए चेक करते. सबसे वेट ऑफ 667 न्यूटन फॉल्स टू ए हाइट, मतलब क्या दिया बेटा, लोड दिया है. एनीवन विल लेट मी नो द सिंबल ऑफ लोड. तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं सर. सबसे पहले क्या लिखना चाहेंगे, गिवन डाटा. गिवन डाटा में क्या आएगा, पी आएगा, इट इज 667 न्यूटन. थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखता हूं तो सारे बच्चों को दिखेगा. सो पी इज गिवन हैज 667 न्यूटन. सही है. नेक्स्ट वन, इट फॉल्स टू हाइट एच कितना दिया बेटा, बोला कितनी दिया हाइट एच, कितना हाइट एच, अरे दिया है ना सर एच ही दिया है एंड वही तो ढूंढना है. ओ माय गॉड. तो भाई साहब ये पूरे क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, हम सभी को हमें फाइंड आउट करना है एच को. तो इम्पैक्ट जिसके वजह से बनता है वो एच आज हम सभी को फाइंड आउट करना है. बाकी जो सब स्टोरी है, इट फॉल्स ऑन पर्टिकुलर कॉलर विच इज रिजिडली अटैच्ड एट बॉटम पार्ट. अभी एक इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, वर्टिकल बार. क्या वर्ड आएगा, वर्टिकल बार, विच इज अ 3 मीटर. कितना मीटर, दिया है मीटर में चलना चल, क्यों नहीं चल रही आपकी पसंद, मेरी पसंद नहीं ना सर, ई की पसंद. हमेशा निमल के मैं ढूंढने का भाई कैपिटल ई दिया है क्या, हाँ सर दिया है. तो यहाँ पे आके लिखने का, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल ई, एनी वन, इट इज 2 इंटू 10 रस टू 5
तो हमेशा सर ये क्यों पढ़ाते हैं हमें बेटा, अगर ये ई का वैल्यू एमएम स्क्वायर में है तो न्यूमेरिकल में जो भी कुछ डाटा आएगा वो तो सब आप सभी को एमएम में लाना है, तो ये वैल्यू मिलेगी 3000 एमएम। बोला इज दैट क्लियर? अरे यस सर, वेरी गुड। आगे क्या दिया है सर? 600 एमएम स्क्वायर की सेक्शन, मतलब एरिया दिया है 600 एमएम स्क्वायर का, पक्का है पूरे। इफ द क्या आगे वर्ड बोला, इफ द इंस्टेंट एक्सपोनेंशियल एक्सटेंशन इलांगेशन सर, इट इज अ डायरेक्टाइल, इज अ टू वे, व्हाट इज द अस्यूम ई इज इक्वल टू दिस, एंड बस ये एच ढूंढना है। एंड फिर न्यूमेरिकल में बच्चा लोग कहते हैं सर दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। नाउ यू कैन आस्क मी भाई, या यू कैन टेल मी व्हाई, लेकिन ये एच जहां से मिलेगा ये फॉर्मूला अगर देखते हैं तो बच्चा पहले आके बोलता है सर सिग्मा भी नहीं है, बिकॉज एच अगर ढूंढना है तो एच यहाँ पे छिपाएंगे, ये ई पता है, पी पता है, ए पता है, एल पता है, ध्यान से देखो, वी नो पी, वी नो ई, वी नो ए, वी नो एल, पी बाय ए भी पता है, पी बाय ई पता है, सिग्मा का है ना, सिग्मा ही नहीं तो दिमाग देने चाहिए। तो बहुत टाइम से मुस्कुराते हंसते बोलते बेटा नो प्रॉब्लम, थोड़ा पढ़ाई करते जा। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पढ़ाई करते जा? तो जिंदगी में स्वाम या मॉस हो कुछ भी नहीं आता है ना, तो इसको याद करने का क्या भैया, ये सब कुछ देता है बस उसको याद करने का। एनी वन व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, नहीं आता है तो वापिस फॉर्मूला पढ़ेंगे, वापिस पढ़ेंगे सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, व्हाट इज सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इनटू ई, सिग्मा तो वैसे ही छोड़ो, कैपिटल ई को वैसे ही छोड़ो, ये ई वाला भाई साहब क्या है, तो कुछ मिलेगा क्या, कुछ समझ में आया है क्या? दैट इज कॉल्ड एज बेसिक कंसेप्ट। तो कोई भी सब्जेक्ट हो तो हमेशा कहते हैं बेटा न्यूमेरिकल के पीछे मत भागो, गो टू बेसिक कंसेप्ट। लोग अपने लाइन भी चुरा देते हैं, कंसेप्ट भी चुरा देते हैं, हम नया कंसेप्ट बना देते हैं, क्योंकि हम मधुमक्खी है ना, अपना काम है बनाते जाने का, लोग आके शहद उठा के भाग जाते हैं, नया नहीं बना सकते, उसे कॉपी करते रहते। तो बेटा क्या आएगा इधर से, तो इधर से कॉमन सेंस है, सिग्मा इनटू एल अपॉन ई इज इक्वल टू डेल्टा एल। बहुत टाइम हम लोग अपने पास क्या नहीं है, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, भाई आपके पास क्या है उसको तो देखो, सही बात है। तो आपके पास डेल्टा एल है, ये सब तो देख लिया, इसको छोड़ दिया, तो डेल्टा एल दिया है, तो जिंदगी में ये फॉर्मूला कभी भी यूज करने का नहीं। तर्मी भाई आसमी भाई, तर्मी भाई आसमी भाई, बिकॉज दिस इज एन इम्पोर्टेंट रूल, और यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला पी बाय ए नहीं आता है, वो सिर्फ एंड सिर्फ ग्रेजुअली में आता है, इवन सडनली में भी 2p/a आता है, कितने तो बेटा 2p/a, और यहाँ पे शक्य नहीं, त्यामुळे ये वो मिस्टेक है जो 99% बच्चे करेंगे, उन्हें लगता है उनकी फॉर्मूला जिंदगी भर, नहीं भाई एज पर द केस उसे चेंज करने को आना चाहिए। तो बोलो सबसे पहले अभी क्या करना पड़ेगा आपको सर, कुछ भी नहीं ना, सिंपल है, डेल्टा एल पता है, इसमें से एल पता है, डेल्टा एल पता है, ई पता है, तो क्या आएगा, सिग्मा आएगा, एंड सिग्मा इसमें पुट करेंगे तो एच आराम से आएगा, मार्क्स मिलेंगे 4, लेकिन ये तभी आएगा जब कंसेप्ट समझ में आएगा। बोलो हैव यू गॉट द कंसेप्ट? यस सर, लिखना तो फॉर्मेलिटी है, आते हैं समझने के लिए कंसेप्ट एंड बेसिक लॉजिक, पक्का बढ़ने का आगे। तो चलो भाई सॉल्यूशन में से सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं भाई, ढूंढना तो सिग्मा है, तो क्या लिखेंगे, फॉर इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा एल अपॉन ई, वी नो द वैल्यू, सिग्मा चाहिए, तो डेल्टा एल इंटू ई
अपॉन एल इज इक्वल टू सिग्मा, सबस्टिट्यूट द वैल्यू, डेल्टा कितना है 2 mm, पी कितना है 2 × 10⁵, एल कितना है बेटा कन्वर्टेड है, ध्यान से देखो 3000. एनीवन विल लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, 133.33. बेटा सरनेम क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, सही बात है. तो टेन सिग्मा आपके साथ है, तो आप एक नोट लिख सकते हैं, क्या नोट आएगा, फॉर इंस्टेंटेनियस इलॉन्गेशन, या और अच्छा वर्ड लिखना है तो आप लिख सकते हैं फॉर इंपैक्ट लोडिंग. बेटा फॉर्मूला हमें आना चाहिए, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय ए प्लस रूट ऑफ पी बाय ए द ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू पी एच ई अपॉन ए एल. एंड यहाँ पे पी अपने पास गिवन है, दिस ट्रिपल 6 to 7 अपॉन 600 प्लस रूट ऑफ ट्रिपल 6 to 7 अपॉन 600 द ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 × 6⁷. एच इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड, ई का वैल्यू 2 × 10⁵ होल डिवाइडेड बाय ए, एरिया इज 600, एल इज 3000. और बेटा सिग्मा का वैल्यू अभी हमने ढूंढा 133.33. यूज अ कैलसी, डू द शिफ्ट सॉल्व एंड टेल मी द आंसर ऑफ एच विच विल गिव अस 4 marks. 4 marks दोस्तों, 2 से 4 mark दे रहे हैं. हम लोग इसे डिफिकल्ट टॉपिक बोलते हैं, आज जो आसान करके आपके लिए देखे हैं, सही है. और अभी भी अगर कोई बच्चे को ये सॉल्व करने को नहीं आता है तो प्लीज मुझे बोलो, मैं उसे कैलसी पे वो कैसे बटन टाइप करने का इतना भी बता सकता हूँ. अगर किसी को डाउट है तो हाथ ऊपर कीजिए, जोशी सर आपके साथ आपके बेंच पे आके आपको डिटेल में बताएंगे. बेटा चिंता ना कर, एक चाहे तो कैलकुलेशन करके निकाल के आंसर जो आप यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर पाएंगे, नक्की 100% प्लीज कैलसी वापरा. ज्यांच्याकडे ईएस कैलसी आहे त्यांच्याकडे तो रूट पण अवेलेबल आहे, मी बाजू में हो जाऊ तो होप्स. तो दोस्तों आप सभी को समझ में आएगा एंड 4 mark आसान से मिले, बच्चे लिख रहे सॉल्व कर रहे हैं. अगर आंसर आता है तो मैं आपको आंसर लेके जाता हूँ, आंसर इज ऑलमोस्ट 9.98 mm, तो व्हाट वी कैन से अप्रोक्सीमेटेड टू 10 mm. तो प्लीज बताइए कैसा लगा आपको ये सजेशन. अगर यू गॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डील विद द न्यूमेरिकल, तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे. तो अगला न्यूमेरिकल या वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मिलेंगे अगले सेशन में. बाय.